हेलो फ्रेंड्स ट्वेंटियथ सेंचुरी तक ये माना जाता था कि ह्यूमन ब्लड एक ही टाइप का होता है बट अब हम जानते हैं कि हम सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है तो डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं ए बी ए बी एंड ओ पॉजिटिव एंड ऑल्सो इनके आर एच पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप्स भी होते हैं तो ये अलग अलग ब्लड ग्रुप्स कैसे होते हैं आज हम ये जानेंगे हमारी बॉडी के रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे एंटीजन्स होते हैं तो इन एंटीजेंस के होने के या ना होने के, और किस टाइप के एंटीजन है उस पे हमारा ब्लड ग्रुप डिपेंड करता है ये एंटीजन्स हमें हमारे जीन्स से मिलते हैं सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एंटीजेंस डिपेंडिंग ऑन देयर जीन्स इफ एंटीजन ए इज प्रेजेंट तो ब्लड ग्रुप ए होता है इफ़ एंटीजन बी इज प्रेजेंट तो ब्लड ग्रुप बी होता है एंड अगर दोनों ही ए एंड बी एंटीजें प्रेजेंट होते हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी होता है बट अगर दोनों में से कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता तो उसे हम ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं और एक और फैक्टर होता है जिसे हम आर एच फैक्टर कहते हैं जिसके होने से हमारा ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव होता है और अगर ये एबसेंट हो तो ब्लड ग्रुप आर एच होता है ब्लड टाइप्स के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है क्योंकि अगर किसी को भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड मैचिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इज़ वेरी प्रोटेक्टिव अगेंस्ट इन्वेडर्स तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा इम्यून सिस्टम डोनर सेल्स को रिकोगनाइज करे अगर गलती से किसी को गलत ब्लड टाइप दे दिया जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और वो उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं जिसकी वजह से फीवर चिल्स एंड लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है एंड ऑल्सो इट कैन कॉज सीवियर अदर रिएक्शंस ओ ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं क्योंकि ये ब्लड ग्रुप किसी भी ब्लड ग्रुप टाइप को दिया जा सकता है एंड ऑल्सो ए बी ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं बिकॉज इसमें दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं तो ये किसी भी ब्लड टाइप को रिसीव कर सकता है बट ब्लड मैचिंग और भी कॉम्प्लिकेट हो जाता है बिकॉज ऑफ आर एच फैक्टर आर एच नेगेटिव वाले पर्सन को हम आर एच पॉजिटिव का ब्लड नहीं दे सकते बट आर एच पॉजिटिव वाला पर्सन आर एच नेगेटिव ब्लड ले सकता है हमारा ब्लड टाइप हमारे पेरेंट्स के ब्लड टाइप से डिटरमाइन होता है फॉर एग्जाम्पल अगर मदर का ब्लड टाइप ओ है एंड फादर का ब्लड ग्रुप ए है तो बेबी का ब्लड ग्रुप ए हो इसके थ्री टाइम्स मोर चांसेस होते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप ओ हो तो हमारे लिए हमारा ब्लड ग्रुप जानना और अदर ब्लड टाइप्स को भी जानना बहुत जरूरी है